going to Ranthambore. We're going to jungle. Stories, yeah. For Ranthambore, another wildlife. From Nashua, Sunjeeva. Yeah. It seems like Pune or... Hi, welcome back to Sevi Diaries. So today we are going to Ranthambore and was like long pending. And this is a route map which will be following. We'll start from Delhi, Gurugram, Alwar, Dausa, Lalsot and then Sawai Madhopur. So it will take approximately 8 to 10 hours depending on the breaks which will take. Raj. He's downstairs. Yeah, he's already excited. So let's go. Go. Yes, Viraj. Viraj, come. Yeah. Come. Yeah. Let's go. You're all set. Yes, Viraj, ready? Yes, we are ready. Ready for the jungle trip? Hi. So like most of our trips, we have started early morning. It's 4:45 and we hope to see a beautiful sunrise. So there are two routes to go to Ranthambore. One is via Jaipur. So aap Jaipur tak jaiye, flight se ja sakte hain, then you can take a road trip from there, or you can go by road via Jaipur. And the other is this, the one which we are going by. So this is by Alwar. लग रहा है जैसे पुणे और वो पुणे और मुंबई का जो है ना. So there are only advantages of starting early. You find empty roads, you can enjoy the views. So this is what I like. Roads बनाया हुआ है, ट्री को वहीं रखा हुआ है. So this is something good, and this is one of the best advantage which we get. You get to see a beautiful sunrise when you start early. So ये जो मेरी travel है, ये summers की travel है. So you get to see clear sky as well. और अभी हम लोग राजस्थान जा रहे हैं, रणथंभौर जा रहे हैं. This is the second time we are going to Ranthambore. First time we went in 2018. तो हम लोग विराज के साथ नहीं गए थे, बट दिस टाइम वी आर गोइंग विद विराज. और विराज ने इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सफारीज कर ली हैं. दिस विल बी हिज हैव टू काउंट. फर्स्ट वी वेंट टू एमपी, देन वी वेंट टू जिम कॉर्बेट, एंड नाउ वी आर कमिंग हियर. एमपी में उसने विराज ने गाना किया हुआ है, बांधवगढ़ किया हुआ है, ही हैज डन पन्ना. सो आवर लास्ट सफारी वाज इन विंटर्स. हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे. It was freezing cold there. और विराज हमारे साथ सुबह उठ जाता था 4:30 and he did all the safaris with us. So now it's a summer safari. बिल्कुल गर्मी है. It's like 45 degrees. तो देखते हैं इस बार का experience कैसा रहता है. So this is कुंडली मानेसर पलवल हाईवे. तो हमारे हाईवेज इतने अच्छे हो चुके हैं, can opt any route. Thank you.
हाँ तो भाई ये हमारे इंडिया के हाईवेज हैं, सो गेट टू सी दिस ओवरलोडेड व्हीकल, ट्रक, ये ट्रैक्टर है, सो वन इज वेरी केयरफुल, आपको इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए. एंड इज द फर्स्ट टोल प्लाजा विच वी हैव क्रॉस्ड. इस रूट के जो टोल प्लाजा हैं वो ज्यादातर मैनुअल हैं, सो आई थिंक इन द कमिंग टाइम्स इवन दे विल गेट फास्ट टैग. सो दिस is what you get to see in Rajasthan. Tabhi Rajasthan jaisa aapko dikhne lag gaya hai. Wow. हमारा प्लान तो अल्वा सिटी को बायपास करने का था, बट विवेक ने सोचा कि आप इतना जल्दी सुबह हम लोग निकल आए तो क्यों ना अल्वा सिटी के अंदर से जाया जाओ, आप थोड़ा सा सिटी को भी देख लिया जाए. तो अभी अर्ली आवर्स हैं, तो अभी बिल्कुल ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं है, तो हम लोग आराम से निकल पाए हैं यहाँ से. हमारा मेन रीजन था अलवर से जाने का, वी वांटेड टू टेक ब्रेक हियर क्योंकि यहाँ का मिल्क केक बहुत ज्यादा फेमस है, बट वी कुडंट टेक ब्रेक हियर क्योंकि हम लोग ज्यादा ही अर्ली मॉर्निंग निकल आए हैं. सो नाउ विल बी टेकिंग ब्रेक समवेयर नियर दौसा. तो जो अलवर सिटी है इट्स वेरी क्लोज टू दिल्ली, सो इट्स 150 किलोमीटर साउथ ऑफ दिल्ली एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जयपुर. तो ये जयपुर और दिल्ली के बिल्कुल बीच में है. एंड आप यहाँ से सरिस्का टाइगर रिजर्व जा सकते हो जहाँ पर कि आजकल काफी साइटिंग हो रही है टाइगर्स की. एंड यू कैन गो टू भांगर फोर्ट जो कि एक हॉन्टेड फोर्ट है, हॉन्टेड जगह है वो, बल्कि जिस हम लोग होटल में रुके थे वहां पर आई एक्सपीरियंस्ड गोस्ट लाइक समथिंग, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, सो विल शो यू ऑल दैट. एंड देयर सिलसरी लेक जो कि बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है. So yes, you can go to these places. There are many more places. आप सरिस्का ही खुद में इतना ज़्यादा खूबसूरत है. There's fort in the Sariska Tiger Reserve. So I really like this Alwar city क्योंकि आप यहाँ से इतनी सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो. So now this is the second toll plaza. Oh my God, another overloaded vehicle. तो अब ये ट्रक है इतना ज्यादा ओवरलोडेड है, तो वन हैज टू बी केयरफुल फॉर द अदर व्हीकल्स क्योंकि वो व्हीकल ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर उसके आसपास चलेंगे तो. सो वन शुडंट ओवरलोड दिस मच. एंड यस, दिस वाज लॉन्ग पेंडिंग ट्रिप रणथंभौर क्योंकि हमने लास्ट टाइम बुक किया था रणथंभौर, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी कुडंट गो टू रणथंभौर और हम लोग चले गए थे लेह लद्दाख. एंड वी डिड 28 डेज ट्रिप ऑफ लेह लद्दाख और हम लोग ने दिल्ली, श्रीनगर, लेह लद्दाख, मनाली एंड देन दिल्ली. सो वी डिड ऑल दैट दैट विद विराज और जो सिर्फ 1.5 ईयर ओल्ड का था. नाउ दिस रोड इज रियली ब्यूटिफुल, आपको ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे यहाँ पर, यहाँ मतलब दिस इज अ हाईवे जहाँ पर कि आपको लोग कम नजर आएंगे, आपको व्यूज ज्यादा देखने को मिलेंगे. तो हम लोग एज अ फैमिली रोड ट्रैवल करने में बहुत मजा आने लगा है. जब भी इस तरीके रोड ट्रैवल में होते इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम वाइल्ड एनिमल. तो अभी तक हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है एंड विवेक हैज बीन ड्राइविंग सिंस क्वार्टर टू फाइव. तो मर्सिडीज भी सजेस्ट करने लगे कि भाई ब्रेक ले लो, तो उसके सेंसर्स भी जवाब देने लग गए कि प्लीज टेक अ ब्रेक.
तो रोड के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी चल रहा है, सो यू हैव एन ऑप्शन टू गो बाय ट्रेन ऑल्सो, अगर किसी को रोड ट्रैवल ज्यादा पसंद नहीं है तो। दौसा के बाद जो जगह है सिकंदरा, इट्स फेमस फॉर स्टोन कार्विंग वर्क। तो यहाँ पर इंडिया में ज्यादातर यहीं से जो भी स्टोन कार्विंग जो स्टैचूज वगैरह आप देखते हो वो ज्यादातर यहीं से जाते हैं। सो द थर्ड टोल प्लाजा विच शुड बी क्रॉसिंग ऑन दिस रूट, और इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे बिकॉज काफी लंबा ड्राइव हो चुका है। सो वी आर टेकिंग ब्रेक हियर एट उमेद लेक पैलेस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, और खुद के अपने ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, तो जो फूड प्रिपेयर होता है इट कम्स फ्रॉम देयर ओनली एंड इट्स रियली टेस्टी। और ये बिल्कुल पैलेस की तरह है, तो पीपल चूज फॉर देयर वेडिंग वेन्यूज ऑल्सो, इट्स अ गुड वेडिंग वेन्यू, और आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। इतनी ह्यूज प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल यू फील लाइक यू आर इन अ पैलेस हियर। हम लोग जब लास्ट टाइम रणथंभौर गए थे वी टुक ब्रेक हियर ओनली एंड स्पेंड वन नाइट हियर एंड हैड अ ब्रेकफास्ट राइट हियर अंडर दिस टेंट। That was really nice, serene environment here. So relax करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, आप एक दो तीन दिन के लिए यहाँ पे आइए and relax in this kind of nature. तो इस बार हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ब्रेक लेने वाले हैं एंड आई शो यू वॉट और वी कैन शो दिस टाइम। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वी कांट स्टे आउटसाइड फॉर मच टाइम, लेकिन जो अंदर का जो एनवायरनमेंट है आप देख सकते हो इट्स रियली ब्यूटिफुल, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सजा के रखा हुआ है। तो अब विवेक बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, हमारा एक घंटे का रेस्ट हो चुका है, सो नाउ विल move from here. So it's a nice property. Again I'll say, if you want to take a break here, if you want to come here for 2-3 nights, if you want to choose this as a wedding venue ya kisi bhi aur bhi celebration pe aap isko choose kar sakte ho, so it's a nice property here. Hi. We are going to Ranthambore to meet another tiger. Yes. A small tiger, another yes, tiger. Yes, we are going to jungle. Yeah. To do safaris. Yes. So we are all set for our next part of the trip. So we took 1 hour break here and we all are fresh now. और जो आगे का जो journey होगा वो कुछ ज़्यादा ही अब एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग जंगल की तरफ जाने वाले हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द दिल्ली मुंबई हाईवे जो बन रहा है, सो एज यू कैन सी वर्क इज गोइंग ऑन, आई थिंक 23 के एंड तक हमको ये हाईवे मिल जाएगा एंड विल बी एबल टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन जो वो बोल रहे हैं आई थिंक 12 आवर्स में, सो लेट्स सी कितना कैसे होता है, बट द वर्क इज इन प्रोग्रेस। और हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया में आप कहीं भी जाइए यू विल गेट टू सी सो मेनी प्लेसेस, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है वो इतनी रिच है,
तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। Now Savai Madhapur is 111 kilometers, so we still have a long way to go. So Ranthambore is again one of the best jungles of India. और जो यहाँ के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइगर्स की वो काफी ज्यादा है, तो अगर आप लकी हो तो आपको यहाँ पर टाइगर जरूर दिखेगा। राजस्थान में रोड ट्रैवल करने के एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही इंडिया का जो पार्ट है और यहाँ का जो पार्ट बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको। एंड नाउ विल बी टेकिंग अनदर ब्रेक शॉर्टली। So that is Tiger Treat करके एक रेस्टोरेंट जो हमें बताया गया है। So this is the restaurant और यहाँ पर in case if you want to buy some local stuff, so you can buy from here. और यहाँ पर we'll take another half an hour break. हाँ बिल्कुल फ्रेश है अपने रिजॉर्ट में जाने के लिए, क्योंकि जिसमें हम जा रहे हैं दैट इज ओबेरॉय वन प्लस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड। दिस इज द सेकंड टाइम वी विल बी गोइंग देयर, सो वी आर रियली एक्साइटेड टू गो विद विराज। हाय हाय विराज, वेयर आर यू गोइंग? जंगल तो आपने देखा विराज कितना ज्यादा एक्साइटेड है, एंड बट ही डजंट नो कि उसे कहाँ जा रहा है, उसके लिए सभी जगह नहीं है। सो लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट्स, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी हैव बुक्ड टू फुल डे सफारीज और हम लोग यहाँ पे 6 डेज के लिए हैं। सो वी आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर रणथंबोर और देखते हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। दो दिन तो हम लोग सफारी में जाने ही वाले हैं and we are excited to meet all the tigers there. हम लोग जब लास्ट टाइम रणथंबोर आए थे तो हमें सजेस्ट किया गया था कि आप लोग समर्स में आना, कि समर्स में आपको टाइगर्स पानी में दिखेंगे एंड यू विल गेट अ रियली गुड साइटिंग, क्योंकि इतना ग्रीन नहीं होता है तो आप दूर दूर तक एनिमल्स को देख सकते हो। हमारा लास्ट टाइम का भी सफारी बहुत अच्छा रहा था, वी गॉट टू सी 4 टाइगर्स टुगेदर एंड मेनी अदर एनिमल्स और बहुत अच्छा था हमारा लास्ट टाइम का भी सफारी यहाँ का। सो दिस टाइम हम उनके सजेशन हम लोग समर्स में आए हैं, बिल्कुल कड़कड़ाती हुई धूप में गर्मी में आए हैं। सो अगेन अनदर 4th ओवरलोडेड व्हीकल, सो दैट्स नॉट गुड, क्योंकि हम लोग बहुत मलके चला रहे हैं साइड से एंड बट वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। और अब हमारा ऑफ रोडिंग ट्रिप आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं आज कहाँ कहाँ से लेके जा रहे हैं हम लोग को। विवेक के अकॉर्डिंग तो हमारी सफारी शुरू हो चुकी है और देखते हैं अब आगे कैसे रहता है हमारा। मुझे तो लगा इस तरीके का टनल हमें सिर्फ श्रीनगर में ही दिखा था जब हम श्रीनगर जा रहे थे जम्मू से, बट इधर भी तरीके के टनल टाइप की जगह है। तो जंगल जैसा माहौल तो शुरू हो चुका है और आपको सफारी व्हीकल भी दिख रहा है। गो 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 सफारी करेंगे, सफारी इसका पैसे मिलके जाओ खाओ। जो वॉल दिख रही है ये जंगल की वॉल है, यहाँ पर भी लोगों को लेपर्ड्स वगैरह दिख जाते हैं इस वॉल के ऊपर बैठ के बैठे हुए। और इस रोड पे अगर आप रात को अगर आप ट्रैवल करो तो यू कैन सी टाइगर आल्सो ऑन दिस रोड। तो अब हम लोग बिल्कुल जंगल वाले एरिया में आ चुके हैं।
तो हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, दैट इज ओबेरॉय वन विलास, एंड टुक अस 9 hours 30 minutes, जिसमें कि हमने दो ब्रेक्स लिए हैं अप्रॉक्सिमेटली 2 hours के, 1 hour each, और हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, और जो हमारा ये रोड ट्रिप रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। Thank you.